ये दिखता है हमारे घर के सामने से नज़ारा, और ज़्यादा तो नहीं दिखता है, बाकी थोड़ा तो अच्छा लगता है। जिस दिन मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं मतलब मैं खुद ही खुद में हूँ, तो यहाँ पे अकेले बेकार भी लगता है, लेकिन एक तरफ से मैं खुश हूँ। पे मैंने चावल चढ़ा रखे हैं वहां पे, और यहाँ पे बन रहा है आलू का थिजानी। तो जिंदगी में इतना बिजी रहना चाहिए ना, मैं सोचती हूँ, मतलब मेरी सोच है कि इतना बिजी रहना चाहिए कि ना किसी की सुनो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पौर और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग छत से हो रही है, और मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने के बाद चली गई थी खेतों में घास के लिए। यहाँ नीचे खेतों में गई हुई थी मैं, और घास लेके मैं आ चुकी हूँ। तो आज मेरी जो किचन की डेकोरेशन है, वो आजकल हमारी नीचे वाले घर में आ रखी है। मतलब हमारे घर के आने पर 2 कमरे ऊपर हैं और 2-4 नीचे हैं। तो आजकल हमने जो किचन का सारा सामान है, वो लकड़ी वाले किचन से यहाँ ला रखा है। तो आजकल हम बहुत दिनों से गैस में बना रहे हैं, आजकल लकड़ी वाले चूल्हे का यूज़ नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि जो हमारा पुराना वाला घर है, मतलब कुटिया है, उसमें जो कॉकरोच होते हैं बहुत सारे, तो वो चले गए थे, जिसकी वजह से हमने वहाँ दवाई डाली हुई है। तो दवाई डाली थी तो बहुत दिनों से वहाँ पे दवाई की स्मेल आ रही है। तो कुछ कुछ दिनों के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, तो अब चलते हैं, वहाँ की सफाई होगी आज, और इसीलिए मैं घर में हूँ कि वहाँ की पूरी सफाई करनी है मुझे। तो दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा थोड़ा बहुत। तो ये रहा हमारा घर, और 2 रूम यहाँ है। बाकी हमने किचन का डेकोरेशन आजकल इस वाले रूम में ला रखा है, और आज का मौसम सुबह से ही धूप लगी हुई है, और अच्छी सी लगी हुई है। धूप भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत होगी। बाकी ये दिखता है हमारे घर के सामने से नज़ारा, और ज़्यादा तो नहीं दिखता है, बाकी थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल आम का सीज़न भी ख़त्म हो गया है, तो आम भी ख़त्म हो चुके हैं। बाकी आज सभी लोग यहाँ से, घर में कोई नहीं है, मतलब आज ना हमारे घर में ना बड़ी सासू जी लोगों के घर में, थोड़ा काम से जा रखे हैं इधर उधर, और धूप लगी हुई है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने पुराने वाले घर में, और वहाँ की सफाई करेंगे आज। रखे हैं यहाँ पे कद्दू के फूल, बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं आजकल। किसी को कद्दू चाहिए तो बता देना। लिपाई के लिए मैं सबसे पहले पतीले लेकर जाऊंगी, और इसमें भरेंगे हम गीली मिट्टी, मतलब मिट्टी को भिगोने रखेंगे इसमें। तो मैंने मिट्टी भिगोने रख दी है, अब यहाँ का ताला खोल देते हैं। सबसे पहले यहाँ वैसे अभी दवाई की बू आ रही है, लेकिन ये देखिए, यहाँ हमने पूरा खाली कर रखा था, और इस पे गेहूँ रहते हैं, बाकी ये वाला खाली रहते थे। आज की मैं यहाँ की लिपाई करूँगी पूरी पूरी कमरे की। और यहाँ पे ये है लक्ष्मण रेखा लगा रखा है, इससे भी नहीं मरे थे ना कॉकरोच, तो इसीलिए हमने दवाई डाली तब। अब शायद ख़त्म हो गए होंगे। परसों सासू जी आए थे यहाँ पे सफाई करने के लिए, मेरे को नहीं भेजा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो मैं सबसे पहले खिड़कियों को खोल देती हूँ। तो वैसे यहाँ पर जितना भी सामान था वो मैंने सब खाली कर दिया है, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ।
तो दोस्तों आपको ये जो सामने वाली मेरे सामने वाली दीवार दिख रही है, तो सबसे पहले मैं इसी को लीप दूंगी और ये वाली दीवार आपको खराब भी दिख रही होगी। तो यहाँ जो पीछे का हिस्सा है इसमें पानी आता है, जो बहुत ज्यादा पानी आता है, तो इसीलिए ये वाली दीवार खाली हो रखी है। तो मैं सबसे पहले इसी की लिपाई कर देती हूँ, आप बने रहे कंटिन्यू वीडियो में, अभी बहुत लंबी वीडियो होने वाली है आज की। यहाँ से मैंने ये दो दीवार लीप दी हैं, अभी गीला है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, वैसे मैंने ये दो तीन दीवार लीप दी हैं यहाँ तक, और अब इससे ये वाली दीवार रह गई है, इसको भी लीपती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बाकी अंदर वाला जो कमरा है वो मैंने लिपाई पूरी कर दी है, उसकी थोड़ी देर में बताऊँगी जब सूख जाएगा। अब मैंने यहाँ की लिपाई करनी है हट्टी की। तो पूरी लिपाई मैंने अंदर से और बाहर तक की कर दी है, और ये बक्सा भी मैंने लिप दिया है ताकि अच्छे से। अब है दूसरा काम मेरे पास, जो सिलबट्टा और परिया है उसको धोना है मैंने, तो इन दोनों को धोना है क्योंकि ये भी यहीं के कमरों में थे, मतलब पुरानी वाली कुटिया में, तो इस पर भी शायद दवाई छिड़की होगी, तो इस पर भी हमने इस पर छाँच थी मैंने उसको खाली करके, आज मैंने वो भैंस को भी नहीं दी क्योंकि दवाई की छाँच है तो भैंस को नहीं दे सकते। ये धोती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ आपको। लिपाई करने के बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा गौशाला भैंस के पास घास डालने के लिए। और तो दोस्तों लिपाई करने के बाद मैं थोड़ा गौशाला गई थी, गौशाला में घास डालने के बाद मैं आ गई हूँ पुराने, मतलब नीचे जो हमारा नया घर है उस वाले किचन में। तो मैंने चावल चढ़ा रखे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे बन रहा है आलू का थिजड़ी। तो पहले मैंने दाल निकाली थी जो कि बहुत सीली हो रखी है, तो ये पिसी नहीं, थोड़ा सा पीसा मैंने खराब, मतलब ये उस पर सीला ना रखी है, तो इस पर धूप, इसको धूप पे रखती हूँ सुखाने के लिए, और तब तक मैं आलू का थिचाड़ी बना देती हूँ। थोड़ा नमकीन और चाय भी हमने, बाकी हमने प्याज टमाटर काट दिए हैं। मेरा आलू का थिजड़ी देखिए, और अभी बाहर का मौसम धूप का हो रखा है, धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो खाना भी आज गीला हो गया, चावल गीले हो गए। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल के बाद मैंने पूरा काम निपटा के मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे, और मैंने बालों का भी ऐसे ही कर रखा, भी गीले ही हैं, तो खाना बनाने के चक्कर में क्योंकि देर हो गई थी मुझे, लिपाई करते करते दोपहर के 12 बजने वाले थे, मतलब 11:30 को हो गया था पूरा काम फिनिश, और 8 बजे को मैं घास लेके आई थी, उसके बाद गौशाला गई, तो ऐसे ही होता है। बाकी खाना खा के अभी सासू जी और ससुर जी भी आ चुके हैं, तो खाना खा के मैं आ चुके हैं अपने रूम पे, और मुझे अच्छा लगता है जिस दिन मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं मतलब मैं खुद ही खुद में हूँ, तो यहाँ पर अकेले बेकार भी लगता है, लेकिन एक तरफ से मैं खुश हूँ कि मैं अकेले हूँ, कि ना किसी की सुनो ना किसी को सुनाओ, पर एक्चुअली ये भी होता कि
गाँव में रहो तो कभी कुछ होता है कार्य, कभी कुछ हो जाता है गाँव में, इधर उधर जाने के लिए हो भी जाता है। अब जैसे हम हैं यहाँ पे तो अकेली जगह पे हैं, तो हमें मतलब किसी की खबर ही नहीं है कि कौन क्या हो रहा है। मेरे पास तो फिर भी फोन है, मैं आप लोगों को अपने जीने का जरिया या फिर रहने का तरीका बताती हूँ। आप लोग देखते हो कि मैं अकेली जगह पे हूँ, पर यहाँ पे और लोग हैं जैसे। तो अब तो खैर फोन आ गए, लेकिन वैसे मुझे लगता था कि अगर हम यहाँ पे बिना फोन सोशल मीडिया के रहते तो बहुत ज्यादा अकेले होना था, और है भी। मैं तब जब मायके जाती हूँ तो तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे सब बच्चे रहते हैं, चहल पहल रहती है, और मतलब यकीन मानो तो हल्ला भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अकेले ही जगह पे आदत पड़ रखी है अकेले में रहने की। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो बहुत ज्यादा शोर लगता है बच्चों का, लेकिन 2 दिन की रौनक होती है, फिर बच्चे भी यहाँ से चले जाते हैं स्कूल के लिए, और मेरा भी ऐसे ही है। कोई बात नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि अकेले भी ठीक ही है एक तरफ से, है ना। गांव में बहुत हल्ले झगड़े होते रहते हैं, और उन सब के बीच भी रहना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग है, सुकून है। जितना काम करो, ये भी होता कभी कभी साला दिन भर काम करो कोई देखता भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है समथिंग। तो चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा काम धाम भी आपको पसंद आता होगा, है ना। तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। टाटा, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय मैं।